हेलो दोस्त, स्वागत है एक बार फिर अरविंद फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे अस्लिंटस एलस सिरप के बारे में, जो कि यह सूखी खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। आगे जानेंगे और किस परेशानी में इसको इस्तेमाल करते हैं, क्या इसका डोज है, और जानेंगे इसको लेने के बाद क्या साइड इफेक्ट दिखता है, और लास्ट में बात करेंगे इसको लेने से पहले क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। सब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मेडिसिन से जुड़ी हर रोज़ वीडियो नया नया मिलता है चैनल पर। आइए बात करते हैं अस्लिंटस एलस सिरप के बारे में। यह जीबी केमिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आता है, जो कि यह आपको 99 रुपये में 100 ml मिल जाता है। इसमें जो कंपोजिशन होता है वह एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg होता है, और लिबोसल्बुटामोल सल्फेट 1 mg में आता है, और गवाफेंसिन आपका 50 mg में आता है, जो कि तीन दवा कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है, जो कि यह खांसी में काफ़ी मददगार साबित होता है। आइए जानते हैं इसका यूज। अगर बलगम वाली खांसी है, जो कि यह बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल किया जाता है, यह एक तरह का जैसे नाक और श्वसन नली और फेफड़ों में बलगम जमे हुए को पतला कर देता है, जिससे कि आसानी से बलगम बाहर निकल जाते हैं खांसने पे, जिससे कि आदमी को खांसी से राहत मिल जाता है। और साथ साथ यह नाक बहने और नाक छींकने में, नाक में खुजली हो रहा है, और जैसे कि आँखों से पानी गिर रहे हैं, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि ये राहत देता है। और जैसे कि फेफड़ों में कफ जम गया है, नहीं निकल रहा है, तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि कफ है, घड़ का आवाज़ आ रहा है, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये सब परेशानी में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यह काफ़ी बेस्ट रिस्पॉन्स देता है। आइए अब जान लेते हैं इसका डोज कितना होता है। देखिए, बड़े व्यक्ति में 5 ml यहाँ तक है, 5 ml सुबह, 5 ml शाम को, 2 टाइम दिया जाता है, ज़्यादा हो तो 3 टाइम भी चलता है। और इसको पीने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पिया जाता है। अब जान लेते हैं साइड इफेक्ट क्या होगा। देखिए, इसको लेने के बाद अगर शरीर में कंपन आने लगे तो समझ साइड इफेक्ट कर रहा है, और इससे घबराहट होने लगे, स्किन पे एलर्जी दिखाई देने लगे, या इसको लेने के बाद जैसे कि धुंधलापन दिखाई दे गए, तो ये सब समझ साइड इफेक्ट है। प्रिकॉशन का रखना चाहिए। प्रिकॉशन ये है कि देखिए, इसको लेने से पहले एक बार डॉक्टर से राय लेंगे तभी लें, क्योंकि आपकी खांसी किस तरह का है, क्या परेशानी है, उसके हिसाब से दवा चलता है। और जैसे कि इसको लेने के बाद ड्राइविंग ना करें बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा ड्राउनेस आता है तो दिक्कत होगा आपको। और इसको लेने के बाद पानी बिल्कुल ना पिए। और जैसे कि इसको लेने है तो जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या फीडिंग करा रही हैं, या कोई व्यक्ति पहले से कोई दवा खा रहा है, तो उसको भी देने से पहले डॉक्टर से राय लेंगे तभी दें। ये सब प्रिकॉशन है। और ये रही पूरी जानकारी अस्लिंटस एलस सिरप के बारे में। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।